हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मूवीज जो कि बेस्ड है डायमंड्स पर। ये सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज फैन पर। नंबर पाँच पर मूवी आती है ओशियंस 8, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में जेल की सजा काटने के बाद डेबी ओशियंस मैट गाला से $150 मिलियन के एक हीरे के हार को चुराने के लिए 7 महिलाओं की एक स्पेशल टीम को तैयार करती है और उस हार को चुराने के लिए एक प्लान बनाती है। इसके बाद मूवी में देखने लायक होगा कि वह उस हार को चुराने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करती है। नंबर चार पर मूवी आती है ब्लू स्ट्रेक, जो कि रिलीज हुई थी 1999 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक चोर एक हीरे की चोरी को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले वह उस हीरे को एक बिल्डिंग में छिपा देता है और जब वह 2 साल बाद जेल से छूटता है तो वह उस बिल्डिंग को एक पुलिस स्टेशन के रूप में देखता है, जिसके बाद वह एक नकली पुलिस वाला बनकर उस हीरे को पाने की कोशिश करता है। और अब मूवी में लास्ट तक देखने लायक होगा कि उसे उस हीरे को हासिल करने में कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर तीन पर मूवी आती है मैन ऑन ए लेज, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में पुलिस कस्टडी से भागने के बाद प्रूफ पुलिस निक कैसिडी न्यूयॉर्क इमारत से कूदने की धमकी देता है, जिसके बाद पुलिस मनोवैज्ञानिक लीडिया उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर उसका भाई एक बैंक से एक हीरे को चुराने की कोशिश करता है, और वे सब ऐसा क्यों करते हैं यह मूवी में देखने लायक होगा। नंबर दो पर मूवी आती है रंबल इन द ब्रोनेक्स, जो कि रिलीज हुई थी 1995 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हांगकांग का एक पुलिसकर्मी केग अपने रिश्तेदार की शादी के लिए न्यूयॉर्क आता है, लेकिन यहाँ एक अपराधियों के गिरोह जो कुछ हीरो के पीछे होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए वह एक स्थानीय गिरोह से दोस्ती करता है। और अब मूवी में देखने लायक होगा कि वह उन अपराधियों को उन हीरो को हासिल करने से कैसे रोकता है और उसके लिए उसे कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नंबर वन पर मूवी आती है स्नैच, जो कि रिलीज हुई थी 2000 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक गैंग द्वारा एक कीमती $करोड़ों के हीरे को चुराया जाता है, जिसके बाद कुछ दूसरी गैंग सोकिया चोर और हिंसक सट्टेबाज सहित लोगों के 3 समूह चोरी हुए उस हीरे को पाने की कोशिश करते हैं। और अब मूवी में देखने लायक होगा कि वह उस हीरे को हासिल करने के लिए एक दूसरे का सामना कैसे करते हैं और लास्ट तक वह हीरा किसके हाथों लगेगा।